अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे और ईद की खुशियां बड़े जोश व खरोश के साथ मना रहे होंगे। और मेरी तरफ़ से भी आप सब लोगों को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। तो आज जो ईद का मौका है, तो ईद के मौके पे जिस तरह हम लोग बड़े मज़े मज़े के खाने बनाते हैं, तो आज का व्लॉग आपने पूरा देखना है, क्योंकि बड़े मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और उसके अलावा मुझे ईद पे जो गिफ्ट मिला है वो भी मैं आपसे आपको दिखाऊंगी। और उसके अलावा बच्चों ने क्या किया ईद पे, हम नारी ईद कैसी गुजरी, ये मैं आपको दिखाऊंगी। दोनों ईद डे हमारे कैसे गुजरे तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो आपने व्लॉग पूरा देखना है। यहाँ पे जनाब ये जो चांद रात का टाइम है, मैं बच्चों के कपड़े वगैरह इस्त्री कर रही थी। चांद रात पे तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, रात के 12 एक बज जाते हैं, लेकिन छोटे मोटे इस तरह के काम रह ही जाते हैं। तो बच्चों की जो कपड़े थे उस पे बटन जो है वो जो रेडीमेड होते हैं उनके बटन जो होते हैं ना वो काफ़ी ढीले से ही लगे हुए होते हैं। तो वो मैंने सोचा कि इससे पहले कि शयान बटन को तोड़े तो मैं उससे पहले ही उसको टाइट कर देती हूँ। और मेरा भी एक बटन टूटा हुआ था तो उसको भी मैंने ठीक से लगा दिया। और यहाँ पे जी मैं मेहंदी लगा रही थी सब काम करके, और शयान कहता है कि मुझे भी मेहंदी लगाएं, तो उसको भी मैंने बस छोटी छोटी सी जो है वो टिक्कियाँ सी डाल दी, तो बस। लेकिन उसने फौरन ही उतार दी थी। लेकिन ये इतनी अजीब सी मेहंदी थी, मैंने भी, मुझे वैसे मेहंदी तो लगानी नहीं आती, मैंने सोचा कि बस एक टिक्की सी डाल देती हूँ गुजारे लायक। तो वो मैंने टिक्की तो डाल ली, लेकिन वो इतनी अजीब सी मेहंदी थी कि सारी वो लटक गई और ख़राब हो गई। और फिर मैंने उसी टाइम ही वो उतार दी थी और बिल्कुल कलर भी नहीं आया था, अजीब सी बहुत मेहंदी थी। तो इससे पहले मैंने जो है वो मैंने सोचा कि ईद का मौका है तो कोई थोड़ी स्किन केयर भी अपनी कर ली जाए, क्योंकि वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया था मैंने अपनी कोई ख़ास स्किन केयर नहीं की थी। तो मैंने एक मास्क बना लगा लिया था, और उसके अलावा मैंने पहले क्लिनजिंग की थी दही के साथ, और जो है उसके बाद मैंने चावल के आटे के साथ सिंपली मास्क बना के और लगा लिया था। मैं वैसे जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स उन पे बिलीव नहीं करती, मैं घर में ही देसी टोटके वगैरह करती हूँ। और मेरे चैनल पे वीडियोस वगैरह हैं जिससे आप घर में ही मास्क वगैरह बना सकते हैं। तो मैंने सिंपली दही के साथ ही मैं उसकी पहले क्लिनजिंग कर लेती हूँ अपनी फेस और हैंड्स वगैरह की। और लेमन भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेमन जो हर किसी की स्किन पे सूट नहीं करता, तो आप लोगों ने उसको पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना है। अगर आपको सूट करे तो आप फिर उसको यूज़ करें, मुझे सूट करता है तो मेरी स्किन काफ़ी उससे अच्छी हो जाती है। उसके अलावा अभी यहाँ पे ईद से एक दिन पहले का ही दिन था, और ईद पे हम लोगों ने फ्रीज़र जो है वो साफ़ सुथरा करके रखना होता है, क्योंकि हमें इसमें गोश्त वगैरह रखना होता है। तो हम मैं देखती थी कि जब फ्रिज साफ़ करना होता था तो पूरा पूरा दिन अम्मी लगी रहती थी फ्रिज साफ़ करने। लेकिन उस दिन मैं जो है वो अपने हेयर ड्राई कर रही थी, तो मेरी हेल्पर फ्रिज साफ़ कर रही थी, तो मुझे आइडिया आया। मैंने बोला क्यों ना हेयर ड्रायर से ही हम फ्रीज़र को यूज़ करके देखें कि वो मतलब फ्रीज़र में बर्फ़ जमी होती है तो इसकी काफ़ी हीट होती है तो उससे बर्फ़ पिघल जाएगी। तो एकदम से मैं कर रही थी अपनी हेयर ड्राई, तो मुझे आइडिया आ गया, और ये आइडिया हमने यूज़ किया तो बिलीव मी हमारा काम इतना आसान हो गया कि आई वॉज़ शॉक्ड। हमारा बस 30 मिनट में ही हमारा सारा फ्रीज़र जो है वो साफ़ हो गया था। तो ये ट्रिक आप लोग भी यूज़ कीजिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सिर्फ 30 मिनट लगे थे और हमारा फ्रीज़र जो है वो बिल्कुल बर्फ़ से पाक हो चुका था, साफ़ सुथरा हो गया था। और आप लोग भी इस ट्रिक को यूज़ कीजिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। और जी जनाब ये ईद का दिन था, और सुबह सुबह मैं 6 बजे उठ गई थी, और क्योंकि मैंने काफ़ी डिशेज़ बनानी थी, काफ़ी तो नहीं मतलब 2-3 डिशेस बनानी थी। खीर मैंने रात को एक दिन पहले ही बना ली थी चांद रात से पहले, और यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ गई थी 6 बजे, और मैं बना रही थी जर्दा चावल, जो मीठे चावल होते हैं वो बना रही थी। एक साइड पे मैंने पानी रख दिया था चावल उबालने के लिए, और दूसरी साइड पे मैंने
यहाँ पे चीनी डाली थी और उसमें 3 कप मैंने दूध डाला था और आई थिंक 3 कप ही चीनी डाली थी। और इसका शीरा हमने बना लेना है दूध और चीनी का, और साथ में पानी मैंने उबालने के लिए रखा है। पानी उबालेंगे, उसमें हम इलायची डालेंगे, लौंग डालेंगे और ज़र्दा रंग डालेंगे। और जब पानी बॉयल हो जाएगा तो हम उसमें चावल डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। और इसको 80% आपने कुक करना है, और जब 80% कुक हो जाए तो फिर आपने इसको निकाल लेना है। और इसके लिए आपने अच्छे वाले चावल यूज़ करने हैं, मतलब जो सेला चावल होते हैं वो आप यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो इसमें जो होते हैं ना चावल, वो टूटने का खतरा होता है। तो आप वो चावल यूज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ज़्यादा चावल होते हैं वो खिले खिले ही अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ ये हुआ था कि जो चावल थे ना वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, हालांकि अच्छी क्वालिटी के महंगे वाले लिए थे लेकिन वो अच्छे नहीं निकले थे। तो यहाँ पे मैंने देसी घी डाल लिया था, और देसी घी में मैं ये सारे जो बादाम, पिस्ता और खोपरा और किशमिश, ये सब मैंने डाल के फ्राई कर लिया था, और हाफ मैंने गार्निश के लिए रख दिया था। और साथ में चावल भी बॉयल हो रहे हैं। तो ये मैं बता रही थी कि मेरे साथ ये हुआ था कि अच्छे वाले महंगे वाले चावल आए थे लेकिन फिर भी वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, बहुत जल्दी वो टूटने वाले थे। तो लेकिन मुझे पर्सनली जो ज़र्दा चावल है ना वो कुछ ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सब घर वालों को, मेरी बहनों को, मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी, या साथ में जब आप ज़र्दा चावल बनाते हैं ना तो इतना ज़्यादा मेस हो जाता है। तो जनाब, नट्स वगैरह में फिर हम वो जो शीरा ने बनाया था वो डाल के और चावल डाल के उसको दम पे लगा देंगे, और ये सारा साथ में जो खिलार है वो भी समेट लेंगे। बेटा ये तैयार हो चुका है, ईद की नमाज के लिए जा रहा है। हम सारों की तरफ से आप सारों को ईद मुबारक। तो जी जनाब, यहाँ पे हमारा ज़र्दा जो है वो रेडी हो चुका है, और इसको मैं गार्निश कर लूँगी। और शहीर साहब को भी मैंने उठा दिया था ईद की नमाज़ के लिए, और फिर उसके बाद मैं ये सोच रही थी कि जल्दी जल्दी बच्चों के उठने से पहले ही मैं जो हूँ खाना वाना रेडी कर लूँ, ताकि फिर बच्चों को तैयार करूँगी और बस सारा दिन फिर बच्चों के साथ फ्री रहूँगी। और फिर मैं यहाँ पे अचार गोश्त बना रही थी, तो मैंने अचार गोश्त बनाने के लिए मैंने पहले गोश्त को गला लिया था, और फिर मैंने प्याज जो है ना उसकी मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के। और फिर मैंने इसमें ऑयल डाला, और उसमें मैंने प्याज अच्छी तरह से, उसको प्याज़ों का पानी खुश्क कर लेना आपने, उसमें थोड़ा टाइम लगता है तो आपने थोड़ा पेशेंस रखना है। तो अच्छी तरह जब पानी खुश्क हो जाए, फिर हमने अदरक और लहसुन के जो क्यूब्स बना के रखे थे वो मैंने डाल दिए हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा भूनना है, और फिर मैंने जो गोश्त जो मैंने गला के रखा था फिर मैंने वो डाल दिया, और थोड़ी थोड़ी यखनी भी डालते जाएंगे। और जनाब, मुझे शदीद कड़ाके की भूख लग चुकी थी, और यहाँ पे मैं साथ साथ अपना नाश्ता भी बना रही थी, तो क्योंकि मैं सुबह उठते साथ ही मैं काम शाम में शुरू हो गई थी, और फिर यहाँ पे उसके बाद मुझे फिर भूख लगी थी, तो साथ साथ मैंने नाश्ता भी बना लिया। और फिर ज़र्दा चावल बनाने के बाद जो इतना सारा किचन में गंद हुआ था सारा, वो मैंने पहले समेटा, और फिर मैं नेक्स्ट अपने जो अचार गोश्त है उसकी रेसिपी की तरफ चली गई, और फिर साथ में अपना नाश्ता भी बना रही हूँ। एज़ यूजल स्क्रैम्बल्ड एग्स बना रही थी, और साथ में चाय और फिर ब्रेड, और उसके साथ साथ फिर मैंने इसको भूनने के साथ साथ जो इसमें मैंने स्पाइसेस डाले थे, तो ये जो है ना ये मैं बस किधरी से ही रेसिपी देखी नहीं है, बस मैं जो हूँ ना बस अपने से ही एक रेसिपी क्रिएट करती हूँ और बस उसी से ही बना लेती हूँ। तो उसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच जो है ना मैंने अचार गोश्त का जो मसाला होता है वो डाला था, और बाकी स्पाइसेस अपने हिसाब से आपने डाल लेने हैं, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते। फिर जनाब, हमने उसमें जो डाला था टमाटर का को भी ब्लेंड कर लिया था मैंने, वो उसमें डाला, और उसको अच्छे तरीके से उसका पानी खुश कर लेना है और उसको भून लेना है,
और भून लेने के बाद जनाब फिर वो बहुत ही मज़े का, उसमें मैंने एक्चुअली दही भी डाला था फिर, हाँ मुझे याद आ गया, मैंने दही भी डाला था और उसको अच्छे तरीके से पानी खुश्क कर लिया था और ये हमने खुश खुश बनाया था और इसका टेस्ट बिल्कुल अचार गोश्त जैसा ही था। और ये जी मेरी रेसिपी थी। और सलार ईद के लिए तैयार हो चुके हैं। सलार ईद मुबारक बोल दें सबको। ईद मुबारक। शान आप भी बोलें। ईद मुबारक बोले ना। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। चलें शियाना आप भी बोल दें। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। चलें बस। ईद मुबारक। नहीं आपने बोलना। माशाल्लाह से ईद का दिन है और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया, शुक्र है गर्मी नहीं है। ये देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम हो गया, बारिश और ये हल्की हल्की सुबह भी बहुत तेज बारिश हुई थी। बोलो अभी। ये सलार आप किधर चढ़ के बैठे हुए? ये किधर चढ़ के बैठ रहे हो? शियान का देखें, शियान को। तो जी जनाब बच्चे भी उठ गए थे, उनको मैंने नाश्ता वगैरह करा के नहला धुला के उनको मैंने तैयार कर लिया था। और ये जी मेरा गिफ्ट भी आ गया था, क्योंकि मेरा जो मोबाइल था उसमें थोड़ा सा उसकी स्पेस भी कम थी, क्योंकि मैंने वीडियोस वगैरह बनानी होती हैं और उसके अलावा थोड़ा उसका चार्जिंग का मसला था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये न्यू मोबाइल लेके दिए ताकि मैं वीडियोस वगैरह बना सकूं और इसमें काफ़ी अच्छी जो है वो स्पेस है ताकि मुझे वीडियोज़ वगैरह बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो थैंक यू हबी। तो ईद के दिन उन्होंने मुझे ये गिफ्ट लेकर दिया है। तो मेरी अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत से अच्छे से मोबाइल के लिए। तो जनाब यहाँ पे ये चर्बी थी बीफ की, यहाँ पे ये इसको कोई भी यूज़ नहीं कर रहा था। तो मेरी सिस्टर कह रही थी कि हम लोग फेंकने लगे हैं, तो मैंने बोला नहीं फेंको मत, मुझे दे दो, मैं जो ना चर्बी से भी कुछ ना कुछ बना ही लूँगी। तो ये चर्बी से मैं जी बना रही हूँ, इसमें मैं घी चर्बी का, बीफ की चर्बी का घी निकाल रही हूँ। इसको बीफ टैलो बोलते हैं इंग्लिश में, आप इसको गूगल पे चेक कीजिएगा, ये काफ़ी हेल्दी होता है। तो ये मैं बना रही हूँ। नेक्स्ट डे मैंने पुलाव बनाना था, तो मैं पुलाव के लिए पुलाव में मैं यूज़ करूँगी और उससे पुलाव का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा। और ये जो है ना नेचुरल जो है ना ये घी है, तो नेचुरल जो कोई भी चीज़ होती है ना, जो नेचर ने कोई भी फैट बनाया है या कुछ भी नेचर ने जो चीज़ बनाई है ना, वो कभी भी आपकी सेहत के लिए हार्मफुल नहीं हो सकती। तो ये नेक्स्ट डे मैं पुलाव बना रही थी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में, इतना भी ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 किलो तक ही होगा। तो मैंने गोश्त को पहले गला लिया था और उसमें प्याज को ब्राउन करके उसमें जो तेज़पात, बड़ी इलायची और लौंग वगैरह डाल के, और फिर मैंने उसको प्याज ब्राउन करके फिर मैंने गोश्त को डाल दिया था और फिर मैंने अदरक भी इसमें डाल दी थी, उसको भून लिया था और उसके बाद मैंने पानी डाल के और फिर उसमें चावल डाल के और बस उसको बहुत ही मज़े का ये पुलाव बन के तैयार हुआ था। और क्योंकि मेरे हाथ का पुलाव जो है ना वो सब बहुत तारीफ़ करते हैं, बोलते हैं कि हमें जो है ना आपके हाथ का पुलाव बहुत पसंद है। तो ये है जी मेरी भांजी जो ईद के दिन पे तैयार हुई थी, तो मैं मुझे कह रही थी कि आप मेरी वीडियो बनाएं। तो बस यहाँ पे जो है वो इस तरह ईद का दिन पहला जो दिन था ना वो बस ऐसे ही गुजर गया था। ईद के दूसरे दिन गेस्ट वगैरह आए थे, मेरी सिस्टर्स आई थी, तो बहुत मज़ा आया था, लेकिन ईद का पहला दिन जो है वो बोर ही गुज़रा था। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो ईद का दिन था तो बाहर आया हुआ था बंदा, वो ये छोटी छोटी चीज़ें बेच रहा था, तो इतनी महंगी वो बेच रहा था। तो लेकिन एक ही मतलब उसी दिन ही उसी टाइम ही उन्होंने तोड़ फोड़ के और बस फेंक दिए। तो बस बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, बच्चों को बस कोई चीज़ लेने का ही शौक़ होता है और बस फिर उसी टाइम ही थोड़ी देर में तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं। लेकिन ईद का दिन था तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, बच्चे खेलें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग ईद का, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आ रही हूँ, तो नेक्स्ट व्लॉग भी आपने मेरा ज़रूर देखना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक नई एक्साइटिंग वीडियो।
के साथ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।